तो नेक्स्ट टॉपिक है पावर कंज्यूम्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। तो थ्योरी में तो नहीं आता लेकिन कॉन्सेप्ट इसका इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसमें लगता है। वो ये कि जब आप कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल जैसे बल्ब, मिक्सी, गीजर, टीवी, कुछ भी परचेज कर लें, वो बॉक्स की पैकिंग में आता है। बॉक्स के ऊपर उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। आप बल्ब भी लेने जाएंगे ना तो बल्ब पैकिंग में देंगे वो आपको, और बल्ब नहीं देंगे तो बल्ब के ऊपर प्रिंट करके देंगे कि ये बल्ब 220 वोल्ट पे ऑन होता है या 220 वोल्ट पे चलेगा। ऑन तो किसी वोल्ट पे हो जाता है, 220 वोल्ट पे ये चलेगा तो ये 10 वॉट की पावर देगा। तो आपने यानी कि मार्केट से क्या परचेज किया, 10 वॉट का बल्ब परचेज किया। तो आपको पावर भी वो कितनी देगा, 10 वॉट देगा, लेकिन लिखा होता है कि इसको अगर वोल्टेज कितनी मिलेगी, 220 वोल्ट। ये गारंटी लेते थोड़ी ना कि 110 वोल्ट पे भी वो 10 वॉट देगा, कम वोल्टेज तो कम भी दे सकता है, राइट? अब कोई चीज लेके आओ उसके ऊपर रेटिंग जरूर लिखी होगी। तो जैसे आप एक बल्ब लेके आए, इसकी पावर थी P1 10 वॉट, एक और बल्ब लेके आए 20 वॉट, एक और बल्ब लेके आए 30 वॉट, सब पे लिखा था 10 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट, और सब पे लिखा था कि ये 220 वोल्ट पे चलता है। तो V सबका अलग अलग सेम है। देखो आप ये थोड़ा कि एक ही V के साथ सारे बल्ब ऑन कर दोगे। तो आप उसने लिखा होता है आप इसको ऑन करेंगे V के साथ तो पावर P1 देगा, V के साथ अलग P2 देगा, अलग P3 देगा। ये इसलिए गिवन होता है कि इन दोनों टर्म से हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल सके। तो रेजिस्टेंस क्या होगी इस बल्ब की, पावर क्या होता है V2/R, तो R क्या होता है V2/P, तो इस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी R1 V2/P1, इस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी V2/P2, इस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी V2/P3। तो पहला काम जब कंपनी मार्क करके दे रही है आपको V और P, तो आप साइड पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसकी रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ऐसी चीज है एक बार आपने कैलकुलेट कर ली वो चेंज हो ही नहीं सकती। देखो कि बल्ब लेके आया उसके रेजिस्टेंस R1 तो R1 ही है ना, ये थोड़े ना है कि आपने अपने घर में लगाया R1 है, मेरे घर में R2 हो गई, फिर अगले दिन देखा तो R3 हो गई, रेजिस्टेंस है भाई, चेंज थोड़ा ना होगी। तो ये कांस्टेंट आ गया। क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ। आपको कहा गया था इनको अलग अलग ऑन करना, VVV अलग अलग ऑन करना। आपने क्या किया, आपने सीरीज में लगा दिया तीनों को। तो आपने ये बल्ब लिया P1 का जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, P2 R2, P3 R3, इसको सीरीज में लगा दिया और एक ही वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया V। कंपनी क्या कहती है, सबको क्या मिलना चाहिए, V। सीरीज में V सेम नहीं रहता, V1 V2 और V3 चेंज हो गया। तो आपने जो बल्ब लगाया उसकी जो उसको सीरीज में लगाया तो V एक ही दिया और उन्होंने डिवाइड कर लिया आपस में, किसी का ज्यादा किसी का कम। तो यानी कि इनकी पावर जो कंपनी ने लिख के दी थी कि 10 वॉट का बल्ब है जी, 10 वॉट देगा पावर, अब आपको 10 वॉट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने नॉर्म्स खराब कर दिए, V देने की बजाय उसे V1 दे दिया। तो यहां पर जाके पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी बल्ब्स की, चेंज हो जाएंगी और नई पावर आ जाएगी, राइट? लेकिन अगर आप इन्हीं बल्ब्स को किसमें लगाते, पैरेलल में लगाते, कोई फर्क ना पड़ता। क्यों? क्योंकि V सबके लिए क्या रहता, सेम। तो जो एक्चुअल पावर 10 वॉट की है वो 10 वॉट ही रहती, 20 की 20 रहती, 30 की 30 रहती। इसीलिए हमारे घरों में सारे अप्लायंसेस पैरेलल में है, झगड़ा ही नहीं है कोई भी, ये ट्यूब भी AC फैन सब पैरेलल में है, सबको भी बराबर मिलता है, कोई फर्क ही नहीं, राइट? सीरीज में गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि जो आप मार्केट से 10 वॉट का बल्ब लेके आओगे वो 10 वॉट चलेगा ही नहीं, 15 वॉट का 15 वॉट चलेगा ही नहीं अगर आपने सीरीज में लगा दिया। पैरेलल में लगाया फिर जैसे कंपनी बोलती है वैसे ही चलेगा, 10 वॉट ज्यादा रोशनी देगा, 5 वॉट कम देगा, 2 वॉट और कम देगा, सिंपल। पर सीरीज में ऐसा होगा नहीं, देखें क्या होगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो इसीलिए पैरेलल में ज्यादा बेनिफिशियल है चीजों को लगाना। पर चलो आपने किस में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में क्या हुआ, वोल्टेज डिवाइड हो गई। अब करंट की वैल्यू अगर मैं आपसे ये पूछूं एक मिनट के लिए कि बताओ नई पावर क्या होगी, मान लो इसकी नई पावर अब P1 नहीं रहेगी, P1 P2 और P3 होगी मान लो, तो नई पावर निकाल लो। तो नई पावर पता है क्या होगी, पहले इसमें बताओ करंट क्या होगा तीनों के अंदर, V डिवाइडेड बाय R1 R2 एंड R3 करंट के जाएगा वायर में, और इसकी नई पावर क्या होगी, नई पावर होगी I² × R1। नई पावर क्या होगी, I² × R2।
नई पावर क्या होगी, आई स्क्वेयर इंटू आर थ्री। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? राइट, तो जो आपका 10 वॉट था ना, वो 10 वॉट शायद ना आए, 20 वॉट ना आए, और 30 वॉट ना आए, क्योंकि वी कम मिल रहा है, करंट चेंज हो गया, तो पावर चेंज हो जाएगी। ठीक, लेकिन यही कंपैरिजन अगर मैं पैरेलल में करूं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी सब में एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो R1, R2, R3, यानी कि आप अगर इनको अलग अलग स्विच के साथ चलाते हो तो भी इसकी पावर वी स्क्वायर बाय R1 रहेगी, और अगर आप पैरेलल में चलाते हो तो भी इसकी पावर वी स्क्वायर बाय R1 रहेगी, क्योंकि वी पैरेलल में क्या रहता है, सेम। फर्क समझ में आ रहा है? सीरीज में गड़बड़ हो जाती है, पैरेलल में कोई गड़बड़ नहीं होती। कोई डाउट इसमें? तो अब क्वेश्चन में सीरीज में मैंने इनको लगा दिया, मेरा पहला क्वेश्चन क्या आएगा, मेरा पहला क्वेश्चन आएगा इनकी नई पावर निकाल लो। तो इनकी नई पावर्स क्या आएंगी, पहले बल्ब में क्या आएगी, आई स्क्वायर R1, दूसरे में क्या आएगी, आई स्क्वायर R2, तीसरे में आई स्क्वायर R3। ये नई पावर्स कैलकुलेट करने का तरीका, पहला क्वेश्चन ये आएगा, कर लोगे सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो ये 10 वॉट 20 वॉट 30 वॉट है, और मैंने इनको सीरीज में लगा दिया तीनों बल्ब्स को, मैं ये चाहता हूं कि ये तीनों की जगह मैं एक बल्ब लगाऊं, तो बताओ उसकी इक्विवेलेंट पावर क्या होगी। मैं तीन बल्ब की जगह एक बल्ब लगाना चाहता हूं जो वही काम करे जो तीन मिलके कर रहे हैं, तो उसकी इक्विवेलेंट पावर क्या होगी। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट पावर क्या होगी। तो मुझे पता है कि R1 R2 R3 किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो टोटल जो नया बल्ब आएगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में फॉर्मूला रेजिस्टेंस का पता है हमें। अब मुझे पता है रेजिस्टेंस तो चेंज होती नहीं, तो रेजिस्टेंस R1 क्या निकाली थी, V2/P1, वहां से मत निकालना, रेजिस्टेंस पहले निकाल देना, वो तो कंपनी की रेटिंग है उससे निकल जाती है। तो V2/R1, V2/R2, V2/P3, ये लो पुट कर दिया, और R की वैल्यू क्या होगी, V2/P, सब कट गया आंसर। तो शॉर्टकट फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो कि अगर कोई भी अप्लायंस सीरीज में कनेक्टेड है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, P1, P2, P3 तीन बल्ब अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, अफेक्टिव पावर तीन की जगह एक पावर अगर P है, तो P किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। कोई डाउट इसमें? ये पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन आएगा इसमें ऐसा। ठीक है यहां तक? तो पहला आंसर आ जाएगा, तो क्वेश्चन आएगा एक बल्ब था 10 वॉट का, दूसरा 20 वॉट का, तीसरा 30 वॉट का, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो अफेक्टिव पावर क्या होगी, 10 प्लस 20 प्लस 30 वॉट। डन, पहला ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन इस पे ये आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा फ्यूज के ऊपर आएगा, फ्यूज, फ्यूज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में। हल्का सा कॉन्सेप्ट है फ्यूज का। फ्यूज क्या है, हमारे घरों में जो लाइट आती है तो वो कई बार क्या होता है कि पीछे से फ्लक्चुएशन हो जाती है, कोई भी बहुत बड़ा यार देश है, इतनी लाइटें आ रही हैं, ट्रांसफार्मर उड़ गया, पीछे से वोल्टेज ज़्यादा रिलीज होगी, कम होगी, करंट ज़्यादा कम होता रहता है, पर एक रेंज होती है अप्लायंस की काम करने की। जैसे मान लो एक अप्लायंस 4 एम्पियर पे काम करता है, उसको यार 4.5 दे दिया कोई बात नहीं, टॉलरेट करेगा, 3.5 दे दिया टॉलरेट करेगा कोई बात नहीं, 20 एम्पियर दे दिया, भैया I2RT, आई का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, फूक जाएगा, धुएं निकल जाएंगे उसके और खराब हो जाएगी, सड़ती हैं चीजें, ट्यूब सड़ गई, पंखा सड़ गया, सड़ने का मतलब क्या है भाई, उसमें हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया। पंखे को खोल के देखोगे अंदर मोटर है, मोटर में तारें बिछी हुई हैं कॉपर की, कॉपर की तारें इंसुलेटेड हैं एक दूसरे से, करंट मिक्स थोड़ा ना हो रहा है, हर वायर में अपना ही करंट है, मतलब गोल 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 घूम रही है। अब जब हीटिंग इफेक्ट हो गया, वो सड़ गई तो उसकी इंसुलेशन उतर गई, क्रॉस क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, स्पार्किंग होगी, आग लग गई, फटाफट आग लग जाएगी। तो कैसे आग लगती है, ऐसी लगती है हीटिंग इफेक्ट से, और ज्यादा आग गर्मियों में लगती है, सर्दी में इसलिए लगती है क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, तार गर्म होती है, ठंड वैसे ही पड़ी हुई है तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, गर्मी में पहले 40 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से तार भी गर्म हो गई, ऊपर से और गर्मी पड़ गई, तो शॉर्ट सर्किट के बहुत न्यूज आती है गर्मी इसी मंथ में, 2-3 महीने में। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे गर्मियों में चीजें ज्यादा सड़ेंगी आपकी, राइट? तो लॉजिक समझ में आ रहा है। अब होता क्या है, ऐसा ना हो कि मान लो 20 एम्पियर का करंट एंटर कर गया घर में, अप्लायंस चल रहे हैं सारे 4-4 एम्पियर पे, जहां जहां आपकी चीजें ऑन है ना, सारी सड़ जाएंगी,
सब में तो धुएं निकलेंगे निकलेंगे कि वो टॉयलेट कर नहीं पाएगी, इतना हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, कोई ना कोई पुर्जा उसका खराब हो जाएगा। सिंपल है, एसी के स्टेबलाइजर गर्मी में बहुत खराब होते हैं, सड़ जाते हैं, अंदर कॉयल्स है ना, बहुत हीट होती है, गर्म हाथ लगाओगे बहुत गर्म फील होगा आपको। अगर 10-10 घंटे एसी चलेगा तो ट्रांसफॉर्मर यही उड़ेगा इसका स्टेबलाइजर, और क्या। और स्टेबलाइजर इसलिए जरूरी है क्योंकि उड़ेगा क्या, एसी उड़ने बेटर है स्टेबलाइजर उड़ जाए, और वोल्टेज कंट्रोल भी करता है, ऊपर से एसी को बचाता भी है। ठीक हो गया। इससे भी एक और काम सुनो, करंट 20 एम्पियर बाई चांस अगर आ जाए पीछे से और चलती मशीनें चार पे हैं, तो हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं मीटर के आगे एक फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज कुछ नहीं है, एक सिंपल वायर है, पहले घर में एंट्री से पहले उस तार में करंट को एंटर करवाया जाता है। अगर तो 20 एम्पियर करंट आ गया, सबसे पहले वो तार सड़ जाएगी और टूट जाएगी, टूटेगी तो घर की बिजली कट जाएगी, घर में अंधेरा हो जाएगा, हम कहेंगे फ्यूज उड़ गया घर का, यानी कि पीछे से करंट ज्यादा आया था। कम से कम हमने हमने वो इतनी सी तार है उसी से कितना नुकसान बचा लिया। सड़ेगी तो एक तार सड़गी, दोबारा छिलके लगा दो, उसमें है क्या, फ्यूज में क्या, कोई भी लगा देता है फ्यूज जाके, तो वो निकालो उसकी, वो जो किटकैट सी होती है, वो जो क्या बोलते हैं आजकल, तो एमसी भी आगे गिर जाते हैं, पहले वो होते थे किटकैट से, वो निकालो और तार लगाओ और लग गया फ्यूज। ठीक, तो लॉजिक समझ में आ रहा है फ्यूज का। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम ये है, आपने 3 बल्ब 10, 20, 30 वॉट के सीरीज में लगा दिए, सीरीज में लगाए। क्वेश्चन है, इनमें से अगर कोई बल्ब फ्यूज हुआ, फ्यूज क्यों होगा, उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तभी फ्यूज होगा। कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, 10 वॉट, 20 वॉट या 30 वॉट, जब ये सीरीज में कनेक्टेड है, छोटी पावर वाला कि सबसे बड़ी पावर वाला, छोटी पावर वाला कैसे डिसाइड करते हो, फॉर्मूला क्या लगाते हो मन में, I2RT, जिसकी देखो आई सब तीनों के लिए एग्जैक्टली सेम है, टाइम ही तीनों के लिए एग्जैक्टली सेम है, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, उसमें हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, हीट ज्यादा कौन सड़ेगा, जिसकी हीट ज्यादा, तो कौन उड़ेगा, वो बल्ब उड़ेगा जिसकी हीट ज्यादा। तो जिसकी नई पावर ज्यादा या जिसमें हीट ज्यादा होगी, I2RT ज्यादा होगा उड़ जाएगा, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो उड़ जाएगा। रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होती है, V2/P, जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें हीट ज्यादा है, वो सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। राइट, तो इसका मतलब 10 वॉट, 20 वॉट और 30 वॉट कौन पहले फ्यूज होगा, जिसकी पावर कम है 10 वॉट, क्योंकि अगर पावर कम है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो 10 वॉट फ्यूज होगा। तो एक शॉर्टकट, ये करना थोड़ी ना है क्वेश्चंस में, सीधा वो क्वेश्चन कहेगा 10 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट, तीनों को सीरीज में लगा दिया, बोलो कौन फ्यूज होगा, तो आंसर इज जिसकी पावर सबसे कम होगी वो सबसे पहले फ्यूज होगा। कोई डाउट इसमें, लॉजिक क्लियर है, तो इसके अंदर आप नोट करो ये पॉइंट, क्या बल्ब विद लेस पावर हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक, तो कौन फ्यूज होगा इसमें, ये रहा, बल्ब ऑफ लोअर वोल्टेज विल बी फ्यूज फर्स्ट, ये लाइन लिख लेना सीरीज में, लिख लेना इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जब ये तीनों बल्ब सीरीज में होंगे तो बल्ब विद लोअर वोल्टेज विल बी फ्यूज फर्स्ट, ये शॉर्टकट लिखो प्लीज। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो कौन फ्यूज होगा जिसकी पावर कम होगी। अगला क्वेश्चन आएगा, तीनों बल्ब में से सुनो 10 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट में से ज्यादा फ्यूज नहीं हुआ, ब्राइट कौन होगा, कौन ज्यादा चमकेगा, कौन ज्यादा रोशनी बाहर फेंकेगा। आपने कहा जी 30 वॉट, मैंने कहा क्यों, कहते पैसे ज्यादा खर्चे हैं, दुकानदार को कहा था भैया मोटा बल्ब देना बड़े वाला तो रोशनी ज्यादा आएगी, उसने कहा था भाई पैरेलल में लगाएगा तब ऐसा होगा, सीरीज में थोड़ी ना होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में लगते ही हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, छोटी वोल्टेज का, तो पावर भी सबसे ज्यादा किसकी है, छोटी, जब तक वो फ्यूज नहीं होगा तो उसकी चमक सबसे
ज्यादा होगी, इट विल ग्लो मोस्ट। तो क्वेश्चन है 10 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट में से कौन ज्यादा ग्लो करेगा, जिसकी पावर सबसे कम होगी, याद रहेगा। तो ये लिख लो इसमें ये वाला पॉइंट, बल्ब विद लेस, ये लिख लेना, बल्ब विद लेस पावर हैज हाई रेजिस्टेंस एंड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विल ग्लो मोर विद मोर ब्राइटनेस। अगर फ्यूज ना हुआ तब तो ब्राइट ही रहेगा, तो यानी कि कमाल ही होगी, आपने 30 वॉट, 10 वॉट और 15 वॉट का लगाया, सबसे ज्यादा कौन चमक रहा है, छोटे वाला, और बड़े वाला सबसे कम। पर नुकसान है, छोटे वाले के उड़ने के चांस भी सबसे पहले हैं, वो चमक चमक करते करते कभी ना कभी सबसे पहले उसने उड़ ही जाना है, क्योंकि हीटिंग अप कितनी देर चमक लेगा, अल्टीमेटली उसने उड़ जाना है। पॉइंट समझ में आया यार, इसलिए सीरीज में लगाते ही नहीं, किस में लगाते हैं, पैरेलल में। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्लियर हो गया।